हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्वीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तन्वीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे फायर इफेक्ट बना हुआ है। कभी कभी जब आप फिल्मों का पोस्टर देखते होंगे तो उसमें आग लगा हुआ शब्द या आग लगे हुए इमेज फायर इफेक्ट आपको दिखता है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं कि कैसे फायर इफेक्ट है फोटोशॉप के अंदर। चाहते हैं कि हमारी और आपकी मुलाकात बार बार होती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। आज के फोटोशॉप के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे फायर इफेक्ट इस तरह से हम लोग इमेज को क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि कुछ जो पोस्टर वगैरह बनते हैं तो उसमें फायर इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग पोस्टर नहीं बनाना लेकिन फायर इफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और हमें क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक न्यू पेज ले लेते हैं। तो कंट्रोल एन से एक न्यू पेज ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद बैकग्राउंड पे आपको ब्लैक कलर फिल कर देना है। तो कंट्रोल बैक इस पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद आप हिंदी या इंग्लिश में जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ उसके बाद मूव टूल सेलेक्ट करके थोड़ी सी इसकी साइज बड़ी छोटी कर लेते हैं हम। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं और डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल जे दबाएं। अब आप देख रहे होंगे दो लेयर दिख रहा है। इसका तो हम क्या काम करते हैं, टॉप लेयर को, ऊपर लेयर को ऑफ कर देते हैं और नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हम चलेंगे इमेज मेनू पे। इमेज मेनू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर रोटेट कैनवास मिल जाएगा और ये 90 डिग्री, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा, मतलब रोटेट हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, रोटेट करने के बाद अब हम चलते हैं फिल्टर मेनू पे। फिल्टर मेनू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा स्टाइलाइज, स्टाइलाइज के बाद विंड और यहाँ से ओके करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये फ्रॉम द लेफ्ट और ये विंड पे सेलेक्ट होना चाहिए और इसको ओके कर देंगे हम। जैसे ही ओके करने के बाद आप थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ इफेक्ट दिख रहा होगा। अब हम क्या काम कर देते हैं कि इस पर जाएंगे, जो इफेक्ट हम चलाते हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी इसका शॉर्टकट कंट्रोल एफ बन गया, तो कंट्रोल एफ ऐसे 3 टाइम 4 टाइम जैसा इफेक्ट आपको चाहिए उतनी बार हम क्लिक कर लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, फिर से इमेज मेनू पे जाने के बाद रोटेट कैनवास पे आने के बाद ये 90 डिग्री CCW पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चलिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस से बड़ा हो जाएगा। अब आपको ये इफेक्ट दिख रहा है। अब हम क्या काम करते हैं, जैसे फिल्टर मेनू पे आने के बाद ब्लर पे जाएंगे और ब्लर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा गजियन ब्लर, ये दिख रहा है। गजियन ब्लर पे जाने के बाद अब अपने हिसाब से पिक्सल को सेट कर लीजिए। यहाँ पे एक तो जो कुछ भी थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा इफेक्ट इस पर आ गया है। इसके बाद अब हम क्या काम करते हैं, फिर से अब हम ये बैकग्राउंड लेयर जो हमारा लॉक दिख रहा है इसको हम डबल क्लिक करते हैं और ये अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ से फिर डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। कंट्रोल जे करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ई कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद अब हम चलते हैं फिल्टर मेनू पे। फिल्टर मेनू में आपको यहाँ पे लिक्विफाई मिल जाएगा। लिक्विफाई पे आने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी ये सब जो इफेक्ट दिख रहा है ये सीधा है, इसको हम थोड़ा टेढ़ा करते हैं। और यहाँ पर आने के लिए ये ब्रश साइज़ जो है इसको हम कर लेते हैं थोड़ा 70 और अपने हिसाब से आपके 15-20 जो कुछ भी चाहिए होगा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं 20 कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग टेढ़ा करते हैं। थोड़ा सा इफेक्टिव ताकि लगे कि हाँ फायर है। तो आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसको कर लेते हैं ओके। इसके बाद अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से चलेंगे इमेज मेनू पे। इमेज मेनू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे ह्यू एंड सेचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कलराइज पे। जैसे ही क्लिक किए आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट नज़र आ रहा है। अब हम क्या काम करते हैं कि इसको उठा के हम कर देते हैं 40 और इसको कर देते हैं 100। जैसे ही हमने किया आपको यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा होगा येलो कलर का, इसको हम कर देते हैं ओके। और फिर से चलेंगे हम, अब इसको हम क्या काम करते हैं कंट्रोल जे से डुप्लीकेट फाइल बना लेते हैं। फिर जाएंगे इमेज मेनू पे, फिर एडजस्टमेंट पे और फिर ये ह्यू एंड सेचुरेशन पे, और इसको हम क्या कर लेते हैं -20 कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं नॉर्मल पे और यहाँ पे इसको हम कर लेंगे ओवरले। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, अब ये जो आपका टॉप का लेयर है ये, इसको हम कर लेते हैं ऑन। और इस पर आने के बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक पर ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको दिख रहा है। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आने के बाद सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट ओवरले दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करिए। और जैसे ही डबल क्लिक किए देखिए कुछ इफेक्ट थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इस पर आते हैं और यहाँ से आप काम करिए येलो कलर चूज कर लीजिए, कस्टम से चूज कर सकते हैं, मैं यहीं से ले लेता हूँ कोई भी। उसके बाद फिर हम ड्राफ्ट शैडो पे जाएंगे और यहाँ से भी हम इसको येलो कलर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ से आप डिस्टेंस वगैरह बढ़ा लेंगे, उसके बाद इनर शैडो पे और फिर यहाँ से भी हम इसको येलो ले लेते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ से आप बढ़ा लीजिए अपना, उसके बाद क्या करना है आपको सबको मर्ज करके करने के बाद कंट्रोल ई कर लेंगे, मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं, फाइल मेनू पे जाने के बाद सेव करेंगे और यहाँ से हम जेपीजी में सेव कर लेते हैं। जेपीजी क्लिक करने के बाद कुछ भी नाम से हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी हमारी फोटो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, चचा चाची भैया भौजी सबको शेयर करें।